हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए एक कमाल की चीज़ लाया हूँ। यह है आपके सामने पियाजो की BS6 599 cc डीज़ल गाड़ी। आज तक आपने जितनी गाड़ी देखी होंगी उसके ऊपर आपको इंजन हमेशा बॉडी के नीचे छुपा हुआ मिलता है और उसकी वजह से आपको बहुत सारे पार्ट्स की पुर्जों की जो क्लैरिटी नहीं मिल पाती। अब इस गाड़ी के अंदर क्या है कि आप देखेंगे पीछे बॉडी नहीं है। तो मुझे एक मौका मिला था कि मैं आप लोगों के सामने एक प्रोडक्ट को पेश करूं। मौका दिख रहा था मैं जिसके अंदर कि मैं आपके सामने गाड़ी का कुछ एक ऐसा वो दिखा सकूं जिससे कि आपको इंजन की लोकेशन, उसके पार्ट्स, कंपोनेंट, फ्यूल लाइन, कूलेंट लाइन, रेडिएटर लोकेशन, उनको अच्छे से आपको क्लैरिटी हो जाए। कई दोस्त हमारे नए हैं, कई पार्ट्स का बिज़नेस करते हैं, कई टेक्नीशियन नए हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा मौका नहीं मिलता, जो ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जिसके अंदर ही देख सकें। तो आज ये मौका मिला था मुझे दिखाने का, तो मैं आपके सामने ये वीडियो आज लेके आ रहा हूँ। आप देखेंगे सामने 599 cc डीज़ल गाड़ी है और इसको पहचानने का तरीका क्या है, ये इस पर लोगो लगता है शक्तिशाली, महाशक्तिशाली पावर मैक्स का लगता है लोगो, और ये गाड़ी का फ्रंट सेम ऐसा ही है। अब कमाल की बात क्या है कि एक बार मैं अंदर से भी आपको दिखाता हूँ गाड़ी को। ये देखिए गाड़ी के अंदर सेम वही डैशबोर्ड और जो BS6 के फीचर हैं, स्विचेस हैं हमारे, चार्जिंग पोर्ट है, गियर है, 5-speed गियर बॉक्स, ये हैंडल बार के कंट्रोल्स हैं और पीछे ये हमारा रिवर्स गियर हैंड ब्रेक, सेम वही सिस्टम है गाड़ी के अंदर। अब ये गाड़ी के अंदर जो पिछला हिस्सा है आप ध्यान देखेंगे, इसके ऊपर चेसिस किसी बॉडी नहीं है, चेसिस के ऊपर बॉडी नहीं है, कार्गो ट्रे नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जब आप इस ना होने का फ़ायदा है कि मैं आज आपको बहुत अच्छे से इसके कंपोनेंट की लोकेशन दिखा सकता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ गाड़ी का चारों तरफ घुमा के। आप ये देखेंगे तो पीछे इस गाड़ी का रेडिएटर है, दूसरा आप इस गाड़ी को देखेंगे तो इसका ये एयर सिस्टम है, ये इंजन की लोकेशन है, वो कूलेंट का रिजर्वर टैंक है और ये गाड़ी का फ्यूल टैंक है। अब इस गाड़ी को आप अच्छे से देखेंगे क्योंकि बॉडी का ना होने की वजह से ये गाड़ी के अंदर आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है कि इंजन को कहाँ माउंट किया गया, कैसे माउंट किया गया और कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे है। सबसे पहले हम बात करते हैं गाड़ी की ECU की। तो गाड़ी का ECU लॉन्ग मेंबर के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये ECU दिया गया और ये ECU की वायरिंग हार्नेस आ रही है। ये देखिए ये ECU की वायरिंग हार्नेस आई जो कि जहाँ से होती है इस मेन वायरिंग हार्नेस के अंदर ये चली गई है, राइट। उसके बाद हम फ्यूल सप्लाई की बात करते हैं। ये फ्यूल टैंक है क्योंकि ये गाड़ी कहीं बनने के लिए जा रही है, बॉडी बनने के लिए जा रही है, इसके ऊपर कोई स्पेशल पर्पज़ व्हीकल बनना है तो ये इसको टैंक को ऐसे माउंट किया गया, यहाँ पे अभी बांधा गया। उसके बाद ये इसका डीजल फिल्टर है, ये इसकी मोटर है, ये इसका फिल्टर है और ये इसका ब्लीडिंग स्क्रू है, ये देखिए। और ये फ्यूल की इनलाइन और आउटलाइन है, यहाँ से टैंक से फ्यूल आया, यहाँ पे यहाँ से ये लाइन चलेगी, ये लाइन चलेगी सीधा आपके ये नीचे हाई प्रेशर पंप में। आप देख रहे हो कितनी आसानी से हर चीज़ आपको क्लियर दिख रही है क्योंकि इसके ऊपर कार्गो ट्रे नहीं है तो ईजिली दिखता है। ये देखिए हाई प्रेशर पंप, ये देखा ये है, ठीक है। और यहाँ से ये लाइन चलेगी आगे, ये लाइन जा रही है और ये आपके होते हुए ये हमारे इंजेक्टर के अंदर फ्यूल डिलीवरी ब्लॉक से होते हुए ये फ्यूल डिलीवरी ब्लॉक है और यहाँ से होती हुई इंजेक्टर के अंदर लाइन आ गई है, ठीक है। तो फ्यूल लाइन क्लियर होगी आपको। उसके बाद गाड़ी का रेडिएटर है, ये रेडिएटर सिस्टम है, ये रेडिएटर सिस्टम के साथ आप देखेंगे तो ये कूलेंट के होजेस, ये आउटलेट और ये इनलेट, देखिए पूरा क्लियर दिख रहा है, आउटलेट इनलेट होज है। ये पेट्रोल डीजल की लाइन है, ये इनलेट होज, नीचे आउटलेट होज जो कि इंजन के अंदर यहाँ पे जा रहा है। उसके बाद हम आते हैं ये कूलेंट का रिजर्व टैंक है, इस कूलेंट रिजर्व टैंक की लाइन देखिए नीचे से आ रही है, ये देखिए ये निकल रही नीचे से, ये निकल रही है यहाँ से होती हुई लाइन हमारे रेडर कैप के अंदर आ गया। ये EGR है, ये इसका गाड़ी का क्रैंक सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर, रेल प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, रेल प्रेशर सेंसर, और यहाँ पे आपको ये लाल रंग का कैप देख रहे हैं, ये इसका ग्लो प्लग है गाड़ी का, ठीक है। ये गाड़ी का कैटकॉन है, यहाँ तक कैटकॉन है और ये मफलर है, यहाँ तक कैटकॉन और ये मफलर, ठीक है। ये गाड़ी का यहाँ पे ऑयल फिल्टर लगा हुआ है, नीचे इंजन ऑयल फिल्टर है, ठीक है। गियर शिफ्टिंग केबल यहाँ पे लगी हुई है पीछे और ये गाड़ी का स्टार्टर मोटर है, ये गाड़ी का अल्टरनेटर है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये गाड़ी के अंदर एक पिछला जो फ्यूज़ बॉक्स दिया गया है,
पीछे जो कि इंजन से की वायरिंग हार्नेस और सेंसर से रिलेटेड है। उसके बाद आप देखेंगे इंजन का फ्रंट माउंटिंग, ये क्योंकि ये फ्रंट माउंटिंग है, ये आपको येलो कलर के दो पीस दिखाई दे रहे होंगे, ये इंजन का फ्रंट माउंटिंग है। और इंजन का जो रियर माउंटिंग है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ये पीछे से पाइप आ रहा है, ये वाला पाइप आगे गया और ये यहाँ पर आके लग गया। एक माउंटिंग यहाँ पर ये दिया, ये गाड़ी का ईजियर पाइप है, ईजियर होज है जो कि एग्जॉस्ट गैसेस को रिसर्कुलेट करता है, वहाँ से गैस होती हुई इधर को वापस से इधर को आती है इंटेक के अंदर, इंटेक से वापस हेड के अंदर जाती है। इंजेक्टर की लोकेशन और मैं आपको क्लैरिटी दिखा रहा हूँ, ये इसका रिटर्न वाला पाइप है, होज वाला, जो कि यहाँ से घूमते हुए और ये आपका नीचे होज आप देखेंगे तो नीचे की तरफ ये होज यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, मैं एक बार इसको कैमरे को ऐसे भी करता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छा और क्लियर व्यू इस इंजन की इंजन का मिल जाए आपको। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ दी हुई जानकारी अच्छी लगेगी, गाड़ी के अंदर जो इंजन के कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, उसकी लोकेशन आपको इजीली दिखाई दे रही है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा था, ये गाड़ी का वाटर पंप है, ये गाड़ी की बेल्ट है, वी बेल्ट से बोलते हैं, नीचे ये हमारे ये जो हिस्सा है ये हमारी क्रैंक पुली है, ये अल्टरनेटर है, इसे वी बेल्ट बोलते हैं, और ये वाटर पंप पुली से जुड़ा है। इसमें कहीं भी टेंशनर नहीं है, कहीं भी टेंशनर नहीं है, तीन पुली हैं, वाटर पंप, अल्टरनेटर एंड क्रैंक पुली, तीनों पे लगता है। ये क्रैंक सेंसर मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, व्हीकल स्पीड सेंसर जो है, जो गाड़ी की व्हीकल की स्पीड को सेंस करता है, वो यहाँ से नहीं दिखेगा, बट वो नीचे की तरफ दिया गया है, इस गियर बॉक्स के यहाँ पे नीचे की तरफ दिया गया है, इधर यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो इस गाड़ी का जो व्हीकल स्पीड सेंसर है वो गियर बॉक्स के साथ डिफरेंशियल के आगे दिया गया, जहाँ से स्पीडोमीटर की केबल आती है, और स्पीडोमीटर की केबल ये आ रही है आपकी, यहाँ से आप देखेंगे तो ये है व्हीकल स्पीड सेंसर, ये देखिए यहाँ पे दिया गया, देख रहे होंगे, दिख पा रहे होंगे आप यहाँ से, ये यहाँ पे दिया गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको दी हुई जानकारी पसंद आएगी आई होगी, और आपको काफ़ी अच्छे से इस इंजन को देखने का मौका मिला होगा, बहुत सारे आपके जो मन के डाउट्स हैं वो दूर हुए होंगे। इसके अंदर आप तीन वायरिंग हार्नेस के कनेक्शन देख रहे हैं, एक ईसीयू को जाता है, एक इंजन मेन वायरिंग हार्नेस को जाता है, और एक व्हीकल का पीछे आता है, जो ये आ रहा है, ये देखिए ये जो तार है जो कि हमने रखी हुई यहाँ पे, ये जो पीछे टेल लाइट, लाइसेंस प्लेट और बाकी जगह का जो वायर जाता है, ये देखिए ये तीसरा वायर है, दूसरा वायर इसके अंदर जो बीच का है वो इंजन को जाता है, और तीसरा आपका जो वायर है वो ईसीयू को जा रहा है, ईसीयू का मेन वायर। दोस्तों, मैं वो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी, और आपके मन के जो डाउट्स हैं या आपके मन में जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको क्लियर हुए होंगे, और आपको एक ज़्यादा बेहतर एक अंडरस्टैंडिंग होगी इस प्रोडक्ट के बारे में। क्लोजअप लुक भी ले रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। दी हुई जानकारी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।